प्रदेश के शिक्षा मंत्री आज पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे। बैठक में कुल 19 शिकायतें आईं, जिनमें से 16 शिकायतों का निपटारा मौके पर किया गया और 3 शिकायतों के लिए कमेटी गठित कर दी गई, जिनका निपटारा अगली बैठक में किया जाएगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूल का शिक्षा स्तर दिल्ली व अन्य राज्यों से बेहतर है। साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, एक में डी साहब की में और एक में कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है और जब अगली मीटिंग होगी तो निश्चित तौर से उसका निस्तारण करा देंगे। सर, भ्रष्टाचार का मुद्दा ज़्यादा हैवी रहा, कई घोटाले सामने आए। नहीं, देखिए आरोप तो अब लगते रहते हैं पर उसकी जांच के हमने आदेश दिए सारी के, और अब जो एक पक्ष है, एक पक्ष तो कुछ ना कुछ अपनी बात कहेगा, दूसरा पक्ष उसका जवाब देगा, फैसला तो बीच में जो भी इंक्वायरी अफसर है वही बताएगा क्या ऐसा चाहिए उसमें। सर, जिन स्तर पर सैकड़ों जो मामले हैं वो सुने भी जाते हैं, निपटाए भी जाते हैं सरकार के अधिकारियों के द्वारा। कुछ केस ऐसे होते हैं जिनके ग्रीवेंसेस में आते हैं, उनका यहाँ निस्तारण होता है। हो सकता है कहीं आपके पास जानकारी होगी ऐसी, अगर कहीं जानकारी है तो कार्रवाई करेंगे। सर, मानसून शुरू होने से पहले हमारे डीसीपुरी स्तर पर काम कर रहे हैं, आप भी यमुना बेल्ट से आते हैं, कहने की कोई इस तरह की योजना नहीं आएगी क्या? आएगी क्या बाढ़ से बचने के लिए हमारे डीसी? नहीं नहीं, बाढ़ की अब कहीं इतनी समस्या है नहीं, मैं समझता हूँ पिछले 5-4 साल में कहीं भी इस प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं हुआ। मंत्री जी, एजुकेशन शिक्षा जो है वो नॉन प्रॉफिटेबल माना जाता है, उसको नॉन प्रॉफिटेबल उसको व्यवसाय माना जाता है, लेकिन फिर भी फॉर्म सिक्स भरकर दिसंबर में हर स्कूल 10% की वृद्धि करता है फीस, लेकिन वो 10% होती नहीं है, वो कम से कम 15-20-25% तक वो वृद्धि होती है, क्या उसके बारे में कहीं इंक्वायरी? देखिए, हमारा जो आदेश है वो 10% का है, अगर कहीं भी किसी भी विभाग की इस प्रकार की कंप्लेंट हमें मिलती है कि उन्होंने 30% या 20% कहीं पे बढ़ा दी, तो निश्चित तौर से स्कूल के खिलाफ कार्रवाई। मंत्री जी, एक वैसे रैंडमली देखिए ऐसे तो कोई भी कुछ भी कह देगा, किस किस की इंक्वायरी कराएंगे, अब कहीं से ना कहीं तक कोई व्यक्ति आएगा, जैसे यहाँ भी आएगा, लोग उन्होंने एक तर्क दिए कि यहाँ यहाँ क्या है, तो उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। किताबों में भी घोटाला हो रहा है सर, प्रिंट रेट पे चोर, उसके ऊपर अलग से पर्चा लगा के ज्यादा। देखिए, हमने जो है NCERT की पुस्तकें लगा रखी है, अब कुछ तो अभिभावकों का भी शौक होता है ना जी, वो प्राइवेट में भी इसलिए करते हैं कराते हैं, तो उसका एक मिनट उसका संज्ञान तभी लिया जाएगा जब अभिभावक कंप्लेंट करेंगे। ये बात आप किसी में सहमत हो कि इस प्रकार से होता है, लेकिन कार्रवाई तब करेंगे ना जब कोई कंप्लेंट तो करे। ग्रीष्मकालीन अवकाश कब से कब तक रहेगा सर? मैं अभी नहीं बता सकता, जैसे जैसे होगा मौसम होगा देख के कर लेंगे। नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल स्मूथली गठबंधन चल रहा है मजबूती के साथ। जब से आपके पास शिक्षा विभाग आया, मंत्री आपने सरकारी स्कूलों में कितना सुधार कराया था? आपने सरकारी स्कूलों में बहुत सुधार रहे हैं, अभी आपको बताऊंगा, अभी धरातल की दूंगा, देखता था कितने हैं। IIT में हमारे 107 बच्चे तो हमारे जो कोचिंग थी हमारी उसमें आए, और जो हमारे संस्कृति मॉडल स्कूल है 138 उसमें ऐसा। मैं दावे के साथ कह रहा, किसी स्टेट का मुझे आंकड़ा बता दो, दिल्ली बड़े रोज रबड़ी बात कराँ, तो मैंने आपसे दे दिया, आप कल ना जो भी दिल्ली को मिला गया ना, आम आदमी पार्टी बढ़ाया दिल्ली का कोई मिला, उसने उनसे पूछियो कि दिल्ली के स्कूल में से JEE में कितने बच्चों ने टेस्ट क्लियर किया सरकारी स्कूल में, तो ये उपलब्धि है हमारी, अगर कहीं नीचे काम होगा तभी तो क्लियर करेंगे, ऐसे तो नहीं कर सकते क्लियर। देखिए, जो सरकारी स्कूल है वहाँ जब बच्चे का एडमिशन होता है पुस्तकें उसी समय उसको उपलब्ध कराते हैं, उसी समय प्राइवेट में तो है कि NCERT बुक पढ़ाएंगे, लेकिन उसके नाम पर क्या हो रहा है, प्राइवेट 4000 किताबें दे रहे हैं प्राइवेट वाले। मैंने आपसे पहले भी कह दी बात है कि अगर अभिभावक कोई शिकायत करेंगे कि गलत पुस्तक लगा रहे हैं, देखिए बात तो तभी आएगी ना जी, अब आप तुमने तो कह दिया, अब आज आपने कहा, फिर दूसरा फिर पल लगे रैंडमली इंक्वायरी करा दो सर, आप भी कह दोगे चलो इस पे विचार करेंगे देख लेंगे। सरकारी स्कूल के हालात आप ठीक बता रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक है। एक मंदिर के अंदर एक
देखिए हमारे पास 14,000 से ज्यादा स्कूल है, उन 14,000 में से आप एक स्कूल का, दो स्कूल का, पांच स्कूल का उदाहरण दे दोगे, है जी, 14,000 में से आप पांच स्कूल का उदाहरण देंगे। मैं टोटली स्कूलों की कह रहा, आप टोटली स्कूलों में जाकर देखोगे, जब आप देखोगे तो हमारे स्कूल अन्य स्टेटों से बहुत बढ़िया पोजिशन में है। और अभी जो हमने योजना शुरू की, हम सीधे सीधे स्कूल को 25 लाख रुपये दे रहे, और वो 25 लाख रुपये मतलब स्कूल के लिए हमने निश्चित किया कि उसके स्कूल का रास्ता, उसकी चारदीवारी, उसमें पीने का पानी, उसका शौचालय, उसमें ड्यूल डेक, उसके ग्राउंड का प्लेन करना, ये सारे काम हमने दिए। और उसकी जो SMC है हमने उसी को अधिकार दिया, उसी को हम पैसा दे रहे, उसकी देख रेख में ही सारे काम होंगे। और अभी तक हमने 27 ब्लॉक पूरे हरियाणा के ड्यूल डेक्स के लिए और 27 ब्लॉक सिविल वर्क का हमने काम पूरा कर लिया। आने वाले साल में हम सारे स्कूलों का 91% हो गया है। खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हैं, माहौल प्रतिकूल बनता जा रहा है हरियाणा में कुछ बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि बहुत सारे लोग नाराज है कि जांच होनी चाहिए, उस पर क्या कहना है? नहीं देखिए, अब जांच तो हर चीज़ की होनी चाहिए, आज भी जितने जो मामले आए तो उनकी सबकी जाँच होगी ना जी। अब कोई भी आरोप लगा उसकी जाँच तो होनी चाहिए, भावनात्मक रूप से हम चाहे हम खिलाड़ियों के साथ हैं, लेकिन जांच के बिना कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। जांच तो होती है, हर चीज़ की जांच होगी, जब दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। FIR दर्ज भी क्या उठना चाहिए खिलाड़ियों को? FIR दर्ज हो चुकी है, क्या उठना चाहिए खिलाड़ियों को? नहीं देखिए, वो तो उनका निर्णय है, जो भी लेंगे।